Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So today we will do our part 2 of your chapter number 2, components of food, जिसके हम next 2 pages cover up करेंगे, page number 10 and 11. तो जल्दी से start करते हैं, open your books with page number 10. देखो, हमने इस chapter में देखा था कि जो आपके components of food है, मतलब food में जो आपके nutrients पाए जाते हैं, उनमें हम 3 का test कर सकते हैं, that are carbohydrates, proteins and फैट. तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमने ऑलरेडी पहले पिछले पेज पे कर लिया है कि हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला अपने फूड आइटम पे. अगर वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, इट मींस इट कंटेन्स स्टार्च और शुगर. और अगर स्टार्च है तो इट मींस आपके जो खाना है, आपकी जो फूड आइटम है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. तो आज हम करेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन. हमें कैसे पता चलेगा कि जो खाना हम खा रहे हैं या जो फूड आइटम को हमें चेक करना है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं. So take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. देखो, कहते हैं एक food item ले लो, अगर तो आपके वो food item solid है. Solid मतलब like जैसे मान लो आपने कोई मिश्री का पीस लिया है ना, मिश्री तो बहुत solid होती है, hard होती है, तो उसका क्या करो, powder form में convert कर लो या paste बना लो उसका, ठीक है. Grind or mash a small quantity of food आइटम, या तो उसको ग्राइंड कर लो, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, अपनी हैंडी के साथ ग्राइंड कर सकते हो, तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा, अदरवाइज उसको मैश कर लो. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब क्या होती है, कल भी बताई थी, इसमें भी देख सकते हो, जो ये बच्चा फिगर 2.2 में दिखाया हुआ एक टेस्ट ट्यूब पकड़ के बैठा है, तो ये क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उसमें आप अपनी वो फूड आइटम डालोगे. एंड एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट. फिर पानी डाल के 10 ड्रॉप्स में इस ड्रॉपर की हेल्प से आप पानी डालोगे, उसको अच्छे से शेक कर लोगे, मतलब दोनों चीज़ों को मिक्स कर लोगे. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो देखो, इस बच्चे ने भी दोनों लिए हुए हैं, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा. 2 ड्रॉप्स तो डालने आपको कॉपर सल्फेट के विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, एंड 6 to 7 या 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा शेक वेल. अभी उनको भी अच्छे से मिक्स कर लो. लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, और उसको ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ दो. डिड कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेंट, और जो भी आपने अपनी टेस्ट ट्यूब में डाला था, अगर उसका कलर वॉयलेंट में चेंज होता है, इट मीन्स जो आपकी फूड आइटम है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. जैसे देखो, इस फूड आइटम को हमने मैश करके किया, इसमें हमने दोनों डाले कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट, तो जो ये है ये वायलेट में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स ये फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है. और आपको कौन कौन से आइटम का करके देखना है, रॉ पोटैटो कच्चा जो आपका आलू होता है उस पर, मिल्क, ग्राउंड नट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, राइस को पाउडर कर लो मिक्सी में ग्राइंड करके, कुक्ड राइस पके हुए राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड दाल, कुक्ड दाल, कुक्ड और अनकुक्ड दोनों से करके देखना है, स्लाइस ऑफ किसी भी वेजिटेबल की एक स्लाइस, किसी भी फ्रूट की एक स्लाइस, और बॉयल्ड एग. बॉयल्ड एग का येलो पोर्शन नहीं लेना, सिर्फ वाइट पोर्शन लेना है. तो अगर तो देखो, जो कल किया था हमने कि आयोडीन सॉल्यूशन डाल के ब्लू ब्लैक होगा स्टार्च है, तो आप इस बॉक्स में लिखोगे. अगर वो वॉयलेंट हो रहा है कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट डालने से, तो इसमें लिखोगे. और फैट का हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कैसे चेक करेंगे, फिर हम इस चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. सो देखो, टेस्ट ऑफ फैट. अभी फैट का कैसे टेस्ट करेंगे, देखो जनरली जो फैट होता है वो आपकी ऑयल वाली आइटम्स में ज़्यादा होता है ना, जो आपकी घी वाली आइटम्स होती हैं या जो ऑयल वाली आइटम्स होती हैं. तो फैट का बहुत सिंपल सा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर. आपको क्या करना है, अपने फूड आइटम लेके किसी भी एक पेपर में, नैपकिन में ले सकते हो, या आप जो सिंपल पेपर आता है आपका जिसमें आप रोटी वगैरह पैक करते हो उसमें ले सकते हो. एंड क्रश इट, और उसको ऐसे हाथ से भी मसल सकते हो या क्रश करो. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर. पेपर नहीं फटना चाहिए, इतना जोर से नहीं करना, सिर्फ धीरे धीरे करो. नाउ स्ट्रेटन द पेपर. अब उस पेपर को खोल के देखो, आपको कुछ ऑब्जर्व होगा कि आप, अगर आपको उस पर कुछ ऑयली पैचेस दिखेंगे, इट मीन्स इट हैज फैट, अदरवाइज नो. जैसे देखो, हमने क्या किया, ये पेपर ले लिया, यहाँ हमारा सैंपल ऑफ फूड रखा. फूड कौन सा रखेंगे जो आपको इस टेबल में दिया हुआ है, दिस वन, ये सारा फूड रखोगे. अब एक एक करके रख के देखोगे कि उसमें फैट है या नहीं. तो उसके बाद क्या किया हमने, इस पेपर को फोल्ड करके, जैसे थंब एंड फिंगर की हेल्प से कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा वो करेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे. फिर प्रेस करने के बाद पेपर हमने फिर खोल लिया. अगर हमें स्पॉट दिखेगा ऑयल का, इट मीन्स आपकी जो ये फूड आइटम है उसमें फैट प्रेजेंट है. सो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. देयर फोर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन
आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. इसीलिए कहते हैं जब आप रब करोगे थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि जो वो आइटम है वो ऑयल रिलीज करने में कई बार ही टाइम लगाती है. सो वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल, सॉरी वी हैव टेस्टेड 3 आइटम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स. अभी देखो दो अभी हमारे बाकी हैं, विटामिन एंड मिनरल, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स. वाई वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, अभी हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? देखो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं. सो वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी? तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट्स भी देखो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है. फैट्स गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. तो मतलब जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो उससे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देते हैं, और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन दोनों को क्या बोला जाता है? एनर्जी गिविंग फूड. और बाकी के जो है जैसे प्रोटीन हो गया, वो आपकी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड. तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देखो स्वीट पोटैटो, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च और शुगर, वीट, राइस, बाजरा, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो एंड मेज. नेक्स्ट आपको दिए हुए सोर्सेज ऑफ फैट, जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, एंड ये भी फैट के ही है, लाइक घी, मिल्क, बटर. बस ये सोर्स है आपके प्लांट से, एंड ये वाले सोर्स है आपके एनिमल से, लाइक फिश, मीट एंड एग्स. तो ये तो बहुत सिंपल है ना. तो जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब जितनी भी ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये वाली चीज़ें आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. ओके, सो हम हमारी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाली कि हमारे कौन से आइटम में स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट है, या कौन से में, तीनों भी हो सकते हैं. सो देखो जो रॉ पोटैटो है उसका जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको उसमें स्टार्च मिलेगा, इट मीन्स इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट्स. मिल्क में आपको प्रोटीन मिलेगा, ग्राउंड नट में फैट मिलेगी. आप ग्राउंड नट का घर पे करके देख सकते हो, ग्राउंड नट को पेपर में रब करो, अगर पेपर में ऑयल आता है इट मीन्स इट हैज़ फैट. अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, राइस को पाउडर कर लिया उसमें स्टार्च होगा, कुक्ड में भी स्टार्च ही होगा. ड्राई कोकोनट में फैट होता है, ड्राई कोकोनट तो देखो कोकोनट ऑयल भी निकालते हैं हम, है ना. अनकुक्ड दाल, स्टार्च भी प्रेजेंट होता है एंड प्रोटीन्स भी होते हैं. ऐसे सेम कुक्ड दाल में होगा आपका स्टार्च वाला भी होएगा एक्सपेरिमेंट, एंड प्रोटीन्स का भी होएगा. अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्टार्च प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है, एंड जो एग का वाइट पोर्शन है उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एंड आपको एक्स्ट्रा से अपनी तरफ से कोई भी ऐसी आइटम करनी थी, जो भी आप करोगे आप यहाँ पे मेंशन कर देना. लाइक मस्टर्ड ऑयल में फैट होता है, हमने अभी पीछे पिक्चर में भी देखा. पी में देखो स्टार्च एंड प्रोटीन दोनों होते हैं. एंड जो ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट सीड है, देखो इसमें स्टार्च, प्रोटीन और फैट है ना, तो ये तीनों भी हो सकते हैं सीड में. ओके, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट, बट जो ग्राउंड नट आप खाते हो उसमें फैट होता है. ओके, सो दिस वाज योर पेज नंबर 11. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू पेजेस 12 एंड 13 इन द नेक्स्ट क्लास. क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड यू कैन आस्क द कमेंट्स डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.